आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किए गए भारत बंद, कोविड-19 के नियंत्रण तथा आगामी पर्व त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था एवं स्वच्छता की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा, मुख्यमंत्री की घोषणाओं एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गुणवत्ता युक्त समय से पूरा करने के दिए निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के आरक्षण सूची पर आई सभी आपत्तियों का किया गया निस्तारण, DPRO ने कहा 26 मार्च को जारी होगी आरक्षण की अंतिम सूची। 23 मार्च से तेजी के साथ वायरल हो रहे एक स्कूल के वीडियो का BSA ने लिया संज्ञान, कहा होगी सख्त कार्रवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने किया स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य वन संरक्षक ने जिले के संबंधित अधिकारियों के साथ चिड़ियाघर का विधिवत किया निरीक्षण, जानवरों के रख रखाव, खाने पीने की व्यवस्था का लिया जायजा, कहा 27 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पूर्वांचल के सबसे बड़े चिड़ियाघर का लोकार्पण। शासन के निर्देश पर मुंबई से गोरखपुर आई बांद्रा एक्सप्रेस के यात्रियों का किया गया कोविड टेस्ट, डॉक्टर जिगेश कुमार ने कहा यह टेस्ट आगे भी रहेगा जारी। 27, 28 व 29 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभिन्न कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए इंजीनियर PK मल की अध्यक्षता में संपन्न हुई हिंदू युवा वाहिनी सहित अन्य सामाजिक व्यापारिक संगठनों की बैठक, कार्यक्रम के सफल आयोजन की बनी रणनीति, बांटी गई जिम्मेदारियां। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,587। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 84 हुए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। प्रशासन के द्वारा बुधवार को बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान के सख्ती के बाद भी लोगों में मास्क के प्रति दिखी लापरवाही, गुरुवार को बिना मास्क घूमते नजर आए लोग। और होली के अवसर पर पारंपरिक होली गीत शाम से प्रीत का YouTube चैनल का हुआ लोकार्पण, गायिका हिना कोमल ने कहा उम्मीद है दर्शकों को रिझाएगा होली गीत।